भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे शहर के कोपरी भाजी मार्केट में 3 लोगों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जुपिटर अस्पताल में भर्ती किया गया है। 21 सितंबर की रात करीब 11 बजे के आसपास हरेश तेलुरे नामक व्यक्ति ने अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर बाबू नाडर पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बाबू नाडर पर धारदार हथियार से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया गया। इस हमले में बाबू नाडर पर कई वार हुए हैं। घायल अवस्था में इलाज के लिए जुपिटर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया है कि इन लोगों का आपसी रंजिश थी, जिसकी वजह से ये हमला हुआ। बाबू नाडर भी इस इलाके में क्लब और अवैध गतिविधियों में शामिल था। इस पर भी कई गुनाह दाखिल हैं और कोपरी इलाके से इसे तड़ी पार भी किया गया था। वहीं तीनों आरोपी भागने के फिराक में थे, मगर इन्हें कसारा से पकड़ लिया गया है। ठाणे शहर उपायुक्त अविनाश अंबूरे ने क्या जानकारी दी है। दिनांक 21 तारीख को रात के 10:45 बजे कोपरी भाजी मार्केट के यहाँ पे 3 लोगों ने बाबू नाडर नामक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया और उसी दौरान जो विक्टिम थे उनको जुपिटर हॉस्पिटल में आगे ट्रीटमेंट के लिए उनको शिफ्ट कर दिया गया। और ये घटना के बारे में हमने CR नंबर 88/19 के तहत IPC 307 के तहत हमने गुनाह रजिस्टर किया है। उसमें रविवार के दिन हमारी पूरी टीम API PI सीनियर PI अगरकर PI गावड़े और उनके टीम ने कसारा से वो जो आरोपी थे वो भाग जाने के फिराक में थे, वहाँ से उनको हमने पकड़ने में हमने कामयाबी मिली है। और उसमें से जो 2 आरोपी है वो जुविनाइल है और तीसरा जो आरोपी है उसका नाम है हरीश उमेश तेलोरे, जिसके हम आज पुलिस कस्टडी के लिए हम कोर्ट में उनको पेश करने वाले हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पुराना उनका कुछ झगड़ा था और जो उसमें से 2 जो आरोपी है वो हमेशा उसके ऊपर भी पुराने कुछ ऑफेंसेस है, मारामारी के, चोरी के, और उसी बीच में ये हादसा हुआ है, ऐसा प्रिलिमिनरी हमें पता चल रहा है। जो इस वारदात में यूज़ किया गया जो हथियार है वो उसको नाइफ सुरा बोलते हैं, उसको चाकू। सोशल मीडिया पर मटका के बाबू नाडर का प्रचार हो रहा है, इसका मतलब है उसके ऊपर पुराने ऑफेंसेस है बाबू नाडर के ऊपर, और उसको हमने यहाँ से हद पार की भी नोटिसेस काफ़ी बार हमने किया है, उसको हद पार भी किया है कोपरी से। तो पुराने काफ़ी सारे ऑफेंसेस उसके ऊपर है, एवन सोशल क्लब नाम का क्लब भी वो चलाता है। हाँ, पुलिस का कहना है कि आपसी पुरानी रंजिश थी, इस वजह से ये वारदात हुई है। पुलिस ने आरोपी हरेश तेलुरे पर 307 के तहत मामला दर्ज कर इसे कोर्ट में पेश किया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।